me now what's left to lose if we हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो डिमांडिंग है, भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी डीएम्स किए, हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा डीएम्स किए कि रॉटवाइलर के ऊपर वीडियो लेकर आओ, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। तो यार आज गाइस, अभी तक यार आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, तो मैंने आईडी मेंशन कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साथ में अर्जुन खन्ना रॉटवाइलर के ओनर, तो इनसे इंटरव्यू लेंगे। तो यार अर्जुन भाई, यार एक मिथ है कि रॉटवाइलर है, मैंने कई जनों के इंटरव्यू भी लिया, मैंने पूछा है तो यार भाई हैरान हो जाते हैं। मैंने तेरा नाम भी बताया था भाई के पास रॉटवाइलर है, तो मेरे दोस्त कहते भाई के पास रॉटवाइलर है तो खुद को ही काट लेता है, मालिक को ही काट लेता है, यार क्या ये सच है? देखो भाई, मेरा ये मानना है कि डॉग वैसा ही बनता है जैसे आप उसको पहले पालते हो। अगर आपने शुरू से उसको बांध कर रखा है, उसको बाहर अंदर नहीं देकर गए, तो फिर तो वो एग्रेसिव बनेगा ही बनेगा। वो तो गाइस हर एक डॉग का होता है, तो आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, सारी वीडियोस देखी होंगी, मेरी पे वीडियो नहीं आता तो हर एक ब्रीडर डॉग ओनर, हर एक डॉग ओनर कहता है कि सोशलाइज तो करो, चाहे तो यार तुम पग को भी अग्रेसिव बना सकते हो, लैब्राडोर को भी अग्रेसिव बना सकते हो। तो यार भाई और बता दो, अग्रेसिव वगैरह मीन्स जैसे तुम फर्स्ट टाइम ओनर हो इसके, तो क्या इसके दिक्कत वगैरह कोई आई? मेरे हिसाब से भाई ने पहले कभी नहीं डॉग रखा, भाई ने स्टार्टिंग ही रॉटवाइलर से की थी। सच में बताऊँ तो मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम रॉटवाइलर की वजह से नहीं आई, बट जब हमने इसको खरीदा था तब ये 25 डेज ओल्ड था, उस समय पर ये काफ़ी बीमार पड़ गया था शुरू। तो गाइस ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, तो सबसे पहले आपको 45 या उससे ज़्यादा डेज का पपी लेना जरूरी है। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था जिसकी वजह से मैं 25 डेज ओल्ड पप खरीद बैठा था, बट मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा जैसे करण जी ने कहा है, 45 डेज से ऊपर का ही डॉग लें, क्योंकि अगर आप उससे नीचे का लेते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जिस इन्वायरमेंट में आप उसको लेकर जा रहे हो उसमें अडेप्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा बड़ा डॉग लेकर आओगे तो उसके लिए अडेप्ट करना उतना ही इजी होगा। तो मैं तो मानता हूँ गाइस, मैंने भी देखा था, जो यार पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक यार पपी को अपनी मदर का ही फीड अच्छे से नहीं मिलेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो यार पहले का क्या करोगे यार। मैंने केस सुना था कि है ना हिप डायलोसिया हो गया था लैब्राडोर को, लिया पप लिया 25 दिन का ले आए, तो 25-30 दिन का ले आए तो उसको हो गया। जब तक गाइस इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं होएगा डॉग का, प्रॉपर मदर फीड नहीं मिलेगी, तो गाइस आप डॉग को अलग ना करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा 45 डेज का ही पप लें या उससे ज़्यादा का पप लें। तो गाइस आप पूछते हैं डाइट क्या है, रॉटवाइलर की डाइट क्या होती है, तो भाई बताइए मुझे। देखिए वैसे तो जैसे हमने आपको सजेस्ट किया कि आप 45 डेज से बड़ा ही डॉग लें, बट अगर आप मेरे जैसे गलती कर लेते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक वो 45 या 50 डेज का नहीं होता, आप उसको दूध पतला करके पानी डाल के उसके बीच कच्ची लस्सी बनाकर, या कच्ची लस्सी बनाकर उसमें थोड़ा सा आलू वगैरह मैश कर उसको डालते रहें, डाइट कम रखें जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। उसकी जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद हम उसकी प्रॉपर डाइट रॉयल कैनल वाली स्टार्ट करते हैं, रॉयल कैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई यार 45 डेज के बाद क्या डाइट रही इसकी बताना? एक्चुअली ये काफ़ी वीक था स्टार्टिंग में, जिस वजह से हम इसको ऑलमोस्ट 3 या 4 times a day रॉयल कैनल की फीड डालते थे दूध में मिक्स कर कर, कच्ची लस्सी बनाकर। नहीं, कच्ची लस्सी हम 45 डेज से पहले ही डालते थे, उसके बाद डॉग अडेप्ट हो जाता है और वो दूध भी डायरेक्ट पी सकता है, और दूध गुनगुना रखना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। जी डाइट के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि आप ऑलमोस्ट 3 months रॉयल कैनल की फीड चलाएं, कोई भी डॉग है, और उसके बाद आप सिर्फ इसको होममेड फूड डालना शुरू करें ताकि इसको उसकी भी आदत पड़े। को ये भी बताना चाहूँगा कि होममेड फूड में आप इसको सिट्रस फ्रूट्स बिल्कुल मत डालें। सिट्रस फ्रूट एग्जाम्पल दे बता दीजिए, कई ऑडियंस को पता नहीं होता है। सिट्रस फ्रूट्स में हम कह सकते हैं कि नींबू और ऑरेंज, ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल ना इनको डालें क्योंकि वो इनके लिए हाईली पॉइजनस हैं। मोर ओवर एक चीज़ और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनको मीठी चीज़ कम से कम डालें। कह रहे कोई आप इसको केक खिलाओगे तो वो बहुत गलत है, आप इसको चॉकलेट नहीं खिला सकते। हाँ इनकी इनकी स्पेशल चॉकलेट आती है, तो मैंने सिंगला पेट मॉल
से भी कवर की थी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो भाई और बताइए क्या क्या। और मैं रॉटवाइलर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ब्रीड है। हाँ। मैंने बरनाला से इसको खरीदा था। अच्छा, बरनाला से। कौन से ओनर से खरीदा था? कौन से ब्रीडर से खरीदा था? उसका नाम था रॉयल कैनल। अच्छा, उसका नाम कैनल का नाम था, रॉयल कैनल नाम था। बरनाला में काफी पॉपुलर कैनल है ये, और हमें मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिली और हमें केसी रजिस्टर्ड डॉग मिला। मैं आपको इसके बारे में एक और एस्पेक्ट बताना चाहूँगा। रॉटवाइलर्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड्स फॉर गार्डिंग पीपल, और बहुत कंट्रीज में इसको एज पुलिस डॉग्स भी यूज़ किया जाता है। यार हमारे इंडिया में भी किया जाता है यार, बहुत सी कंट्री किधर पहुँच गया। नहीं, इंडिया को छोड़ के भी बहुत सारी कंट्रीज़ में किया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये बड़ा होएगा, इसकी गार्डिंग प्रॉपर गार्डिंग इसकी फीचर्स वैसे वैसे ही इम्प्रूव होंगे। जैसे पहले इसकी नींद 10 से 12 घंटे की थी, और अब इसकी नींद एकदम से ही 6-7 घंटे की रह गई है। और ये काफ़ी विजिलेंट रहते हैं अपने ओनर को लेकर, बहुत लवेबल हैं, बहुत प्लेफुल हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक मिथ है कि रॉटवाइलर्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो तो गाइस ओनर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तक ओनर सोशलाइज नहीं करेगा, उसके साथ खेलेगा नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो अग्रेसिव तो बनेगा ही। इट्स ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग ऑफ द डॉग, आप कैसे उसको बड़ा करते हो। अगर आप उसको बांध कर ही रखोगे तो वो ज़रूर एग्रेसिव होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास ओपन स्पेस डॉग को छोड़ने के लिए नहीं है तो प्लीज़ आप रॉटवाइलर मत खरीदें। वो आपको हार्म बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको रोज़ आप जैसे हमारे घर के साथ बिल्कुल आप जानते हो प्लॉट है, तो हम वहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये खेलता है। अगर ये फ्रीली मूव कर सकता है, हम इसको वहाँ पर बांध कर नहीं रखते। और अगर हम घर में होते तो शायद ये बहुत एग्रेसिव हो चुका होता है। डॉग को पता चल जाता है कि इसका टेरिटरी इतना है, जैसे इसको खोल देते हैं तो इधर आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने सुल्तान के साथ भी इसका मीटअप कराया था, तो हल्की सी जब ये छोटे छोटे थे तो जैसे ना सुल्तान है ना, इनके घर के अंदर जाने की ट्राई करता तो ये भौंकने लग जाता। तो मैं क्लिप ट्राई करूँगा कि ये एडिट कर दूँ, थोड़ा हल्की सी क्लिप एडिट कर दूँगा इधर, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रॉटवाइलर्स की जो डाइट है वो एकदम से आपने इंक्रीज़ नहीं करनी है, टाइम के साथ करनी है। जैसे इस टाइम पर हम जिसे ये हमें इसे होममेड फूड डाल रहे हैं, तो इसमें इसको हम रोज़ ऑलमोस्ट 18 हम इसको चपातीज डाल रहे हैं 3 हिस्सों में, प्लस हम इसको हर टाइम 250 ग्राम चिकन कम से कम डाल रहे हैं विद सम मिल्क एंड पेडिग्री। पेडिग्री इसके लिए वो इसलिए पेडिग्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो हम होममेड फूड में नहीं पूरी कर पाते, उसके लिए वो डालनी बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 4-5 चम्मच आप हर बार इसे खाने में पेडिग्री डालें ही डालें। यार डाइट की बात करूं यार राजू, यार मुझे ऐसे ज़रूरी तो है नहीं कि नॉन वेज के ऊपर ही चलना चाहिए, कि हमारे ऊपर है ना कि नहीं। ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पूरा एग्री करता हूं इससे। जो मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी रॉटवाइलर है फीमेल, और वो मुझे बता रहा था कि वो चिकन कोई नहीं खाता घर पर, और उनका डॉग भी वेजिटेरियन है। इट्स जस्ट कि हमने उसको न्यूट्रिशनल जो हाईली न्यूट्रिशनल जो फूड है वो हमने इसको देना है। अगर आप चिकन नहीं खाते, आप पनीर ज़रूर खाते होंगे, तो आप पनीर डाल सकते हैं उसकी जगह पर, और पनीर भी काफ़ी हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। और जो कुछ भी जो विटामिन्स और प्रोटीन्स हम इसको नहीं प्रोवाइड कर पाते होममेड फूड के रूप में, वो सब हम इसको पेडिग्री के रूप में देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि हम खाने में हमेशा कम से कम 20-25 जो दाने होते हैं पेडिग्री के, वो ज़रूर डालें, क्योंकि उससे इसका फूड टेस्टी भी बनता है, प्लस वो न्यूट्रिशनली हाईली न्यूट्रिशनली होता है। तो गाइस मैं आपको स्टैक भी बता देना चाहता हूँ डॉग का। अर्जुन तो गया नहीं था डॉग शो में, जैसे कि गाइस आपको पता है मैं पटियाला डॉग शो कवर करके आया था, तो मैं आपको प्रॉपर इसका स्टैक बता देता हूँ, रॉटवाइलर का स्टैक क्या होता है। तो ऑस्कर 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 नहीं है, स्टैक सही लगते हैं।
तो गाइस अगर चाहते हो कि चाओ चाओ और इसका मीटअप हो कैसे लगते हैं, आप रिएक्शन देखना चाहते हो, तो यार इस वीडियो के ऊपर कम से कम 50 लाइक्स तो चाहिए चाहिए। तो आप मुझे बता देना, लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो यार शेयर कर देना, और चैनल पर नए होता है चैनल